हाय गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो कौन से पाकिस्तानी ड्रामे हैं जो इंडिया में वायरल हुए। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत से शानदार ड्रामे लेकर आते हैं, जिनमें से कुछ ड्रामे ही इंडिया में वायरल होकर मिलियंस में व्यूज़ हासिल करते हैं। ऐसी क्या खास बात है इन ड्रामाज में जो ये इंडिया में वायरल हुए? जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रामे कैसे लगे। इससे पहले अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज देखने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 10 पर है इश्क है। इश्क है रोमांटिक थ्रिल और जज्बात से भरपूर पाकिस्तान का बेहतरीन ड्रामा है, जिसमें आपको शाहजेब की इसरा के लिए जुनूनी मोहब्बत देखने को मिलेगी। अगर किसी ड्रामे में दो मोहब्बत करने वाले हों और विलन ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। इस ड्रामे में विलन का किरदार शाहजेब की माँ ने अदा किया, जो नहीं चाहती कि शाहजेब की शादी इसरा से हो, लेकिन शाहजेब अपने जुनून और ज़िद में इसरा से ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि भाई ड्रामा शुरू से लास्ट तक शानदार है। कास्ट में है दानिश तैमूर, सबा फैसल, मीनाल खान, असका दिनेल, बाबर अली। नंबर 9 पर ड्रामा सीरियल जो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखा गया वो है खानी। खानी पाकिस्तान का बेहतरीन ड्रामा था जो इंडिया में भी वायरल हुआ। इस ड्रामे के बाद फिरोज़ खान को इंडिया से काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिली। यह ड्रामा जज्बात और सस्पेंस से भरपूर था। इस ड्रामे की पहली 12 से 15 एक साथ तो कमाल की हैं। इंडिया में फिरोज़ खान और सना जावेद की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये ड्रामा अपने OST की वजह से भी वायरल हुआ, क्योंकि इस ड्रामे का OST कमाल का था। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। नंबर 8 पर ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है ने पाकिस्तान में तो शोहरत हासिल की ही, लेकिन ये ड्रामा इंडिया में भी मकबूल हुआ। इंडियन फैंस ने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अदाकार फवाद खान इंडिया में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जिसकी वजह से इनको इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इनके फैंस इनका हर आने वाला नया ड्रामा ज़रूर देखते हैं। ड्रामे की कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अगर आप फवाद खान के फ़ैन हैं तो उनका ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा। नंबर 7 पर ड्रामा सीरियल ऐसी है तन्हाई है। इस ड्रामे के वायरल होने की वजह इसका OST था, क्योंकि ड्रामे का OST कामयाब गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने गाया था, जिनको इंडिया में काफ़ी शोहरत हासिल है। जैसे ही इनका कोई गाना आता है, इंडियन फैंस इनके गाने बहुत सुनते हैं। ड्रामा बुनियादी तौर पर क्राइम बेस्ड था, लेकिन जैसे ही इसका OST वायरल हुआ, ड्रामा भी मिलियंस में व्यूज़ हासिल करने लगा। इस ड्रामे में सोनिया हुसैन और समी खान लीड रोल में नजर आए। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। नंबर 6 पर ड्रामा सीरियल कुर्बान है। कुर्बान इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ये वाहिद ड्रामा था जिसने मुकम्मल होने के बाद मिलियंस में व्यूज़ हासिल किए। जब ये ड्रामा दिखाया जा रहा था तो इस ड्रामे ने कुछ ख़ास व्यूज़ हासिल ना किए, लेकिन जैसे ये ड्रामा ख़त्म हो गया, इसके कुछ वक्त बाद ये ड्रामा इंडिया में वायरल हुआ। इस ड्रामे में इकरा अज़ीज़, बिलाल अब्बास और शहजाद शेख लीड रोल में नजर आए। ड्रामे में बहुत से ट्विस्ट भी दिखाए गए। नंबर 5 पर ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 है। ये ड्रामा इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इस ड्रामे की एक किस्त ने मिलियंस में व्यूज़ हासिल किए। इंडियन फैंस ने इकरा अज़ीज़ और फिरोज़ खान की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया और ये ड्रामा पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में वायरल हुआ। ड्रामे में शानदार कास्ट दिखाई गई। इस ड्रामे का OST भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद नाज़रीन को इस ड्रामे का शिद्दत से इंतज़ार था। नंबर 4 पर ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि घरेलू स्टोरी पर मबनी ये ड्रामा इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। बुनियादी तौर पर ड्रामा एक लड़की की कहानी पर मबनी था, जिसमें इसके रिश्तेदार इस पर जुल्म करते हैं। इसके अलावा ड्रामे में हल्का फुल्का रोमांस भी दिखाया गया। फरहान सईद और हानिया आमिर का ये ड्रामा इंडियन फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा।
नंबर टू पर जो ड्रामा इंडिया में सबसे ज़्यादा वायरल हुआ वो है कैसी तेरी खुदगर्जी। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी पाकिस्तान का भी ब्लॉकबस्टर ड्रामा था जो इंडिया में भी वायरल हुआ। दानिश तैमूर का हर ड्रामा ही मिलियंस में व्यूज़ हासिल करता है, लेकिन तमाम ड्रामों से ज़्यादा ये वायरल होने वाला ड्रामा था जिसमें वो एक अलग किरदार में नज़र आए। ड्रामे का OST भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जिसकी वजह से ये ड्रामा वायरल हुआ। दुर्रे फिशा और दानिश तैमूर की केमिस्ट्री देखने वाली थी। इंडियन फैंस ने इनका ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद किया। नंबर वन पर जो ड्रामा सबसे ज़्यादा इंडिया में वायरल जा रहा है वो है तेरे बिन। तेरे बिन ड्रामा सीरियल JioTV पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे की कहानी मेरब और मुर्तसिम की है जिसमें मेरब पुरएतमाद लड़की दिखाई गई जबकि मुर्तसिम एक अमीर मगरूर लड़का दिखाया गया। दोनों के दरमियान दिखाई जाने वाली नफ़रत नाजरीन काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। नफ़रत से शुरू होने वाली इस मोहब्बत की कहानी में आप सस्पेंस, रोमांस और हल्का फुल्का थ्रिल भी देखेंगे। इंडियन फैंस यमुना जैद और वहाज अली की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो अभी से देखना शुरू कर दें।